इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसएमसी कमिश्नर उवैस अहमद बट साहब। सर पहले आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर में। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। इस वक्त हम बलिदान स्तंभ के पास मौजूद है, मुकम्मल हो गया है, पूरा बन के तैयार हुआ है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? बलिदान स्तंभ ये एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी की तरफ से, जो कि प्रताप पार्क में बना है। लगभग 5 करोड़ की लागत से ये बना है और ये एक मिक्सचर है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जो है कश्मीर का, जो महाराजा ब्रिक वर्क है उसका, और जो मॉडर्न ड्रेनेज, इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग, LED डिस्प्लेज, वो सारा कुछ यहाँ पर लगाया गया है। ये 3 पार्ट्स में बना है और ये आप जैसा कि जानते हैं कि 15 अगस्त का इसका कंप्लीशन का डेडलाइन था और आज 13 अगस्त है। आज यहाँ पे एक फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई है बहुत बेहतरीन तरीके से और ये आप इस एरिया में देख सकते हैं कि जो हमारा वर्क है वो कंप्लीट है और 15 अगस्त को इसमें फॉर्मल सेरेमनी भी मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी और उसके बाद ये ओपन टू पब्लिक है। पब्लिक यहाँ पे आ सकती है। मेरी आपकी तरफ से लोगों को भी गुजारिश है कि यहाँ पे ज़रूर आएँ और इस चीज़ को महसूस करें कि जिस पर्पज़ के लिए बना है, जिन वीर जवानों ने, जिन हमारे पुलिस के कर्मी हैं, CAPF के हैं, आर्मी के हैं, जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है देश की रक्षा के लिए, अपनी कंट्री के लिए, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बना है और उसको ये आके यहाँ पे महसूस कर सकते हैं, पब्लिक भी आ सकती है। सर जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे कल नहीं परसों आने वाला है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रिपरेशन जो है SMC की तरफ से? SMC की तरफ से हमारी अलग अलग जगहों पर प्रिपरेशंस खसूसी रहती हैं, जैसे कि जो मेन वेन्यू है उसके आसपास का सारा जो इंतज़ाम है वो SMC की तरफ से भी जो रहता है वो उसमें हमारी पूरी मुकम्मल तैयारियां हैं। इसमें मेन जो वेन्यू है उसमें भले ही वो वाटर सप्लाई को लेके हो, सैनिटेशन का हो इशू, और भी जो अपकीप रहता है वो चीज़ें हैं। हमारा मेन SMC का जो अपना इवेंट है जो SMC के बिल्डिंग में होता है उसकी तरफ से भी पूरी तैयारियाँ हैं और पूरे श्रीनगर सिटी में अलग अलग जगहों पे जो खसूसी साज सजावट का काम रहता है वो हमारी तरफ से रहेगा सैनिटेशन के साथ साथ, और हमारी ये कोशिश है कि ये जो एक फेस्टिव माहौल है श्रीनगर में उसमें हम भी कंट्रीब्यूट कर सके, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनको और बेहतर बना के। सर अगर देखा जाए तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो 2019 के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, कई सारे सालों तक इस पर काम चला, तो ऐसे में कम्प्लीटली कब ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसी जगह है जो अभी भी नामुकम्मल है, जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या डेडलाइन रहेगी, क्योंकि कई सारी डेडलाइंस भी अभी तक दी गई, तो अभी आपका क्या कहना है, क्या डेडलाइंस रहेगी जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए? देखें ये अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का, लगभग 2 साल पहले से शुरू हुआ और कुछ प्रोजेक्ट जो है हमारे लास्ट ईयर शुरू हुए हैं और ये पहली बार होगा कि इतने कम टाइम में 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो श्रीनगर में हो रहे हैं और ये इससे बहुत बड़ा एक सी चेंज देखने को मिला है। हमारे श्रीनगर को बहुत सारे आइकॉनिक प्लेसेस मिले हैं और इसमें बहुत बेहतरीन काम हुआ है, वो भले ही लाल चौक का काम हो, वो हमारे झेलम रिवर फ्रंट बना हो, वो जो हमारे ट्रेडिशनल आइकॉनिक जगहें थी उनको और बेहतर किया गया है और अब जो कुछ एक हमारे काम बाकी हैं जैसे कि रोड्स का काम था और बाकी काम थे, उनमें रोड तो थ्रू है, उनमें मैग्नमाइजेशन हो गया है और उनके आसपास जो फुटपाथ है उनका काम चल रहा है। और मैं ये आपके ज़रिए बताना चाहूँगा कि ये जो काम है ये कॉम्प्रिहेंसिव काम रहे हैं, इनमें सिर्फ रोड बनाना नहीं था, इसमें उसके साथ ड्रेनेज, सीवरेज और अंडरग्राउंड कंड्यूटिंग, जिसमें कि अंडरग्राउंड जो बिजली है उसकी सप्लाई, तो वो सारी चीज़ें साथ में की गई। नॉर्मली ये काम करते करते हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे करता है तो 3-4 साल लगते हैं, 1 साल ड्रेन बन जाती है, 1 साल सीवरेज होता है, 1 साल कंड्यूटिंग होता है, तो ये सारे कॉम्प्रिहेंसिव काम रहे, चैलेंजिंग भी रहे यहाँ पे टोपोग्राफी को लेके, वेदर को लेके, पर फिर भी हमारे जितने भी स्टाफ है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सब ने बहुत मेहनत से इसमें काम किया है, नियर कंप्लीशन है प्रोजेक्ट्स और आने वाले 2 महीने में आप देखेंगे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे SMC कमिश्नर उवैस अहमद बट साहब, जिनका ये कहना है कि बलिदान स्तंभ जो कि मुकम्मल हो चुका है उसकी इनॉग्रेशन 15 अगस्त को होने वाली है, उसी के साथ साथ इन्होंने स्मार्ट सिटी के बारे में भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें करोड़ों का खर्चा आया है और ये प्रोजेक्ट भी अब कुछ ही महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी बाकी जगह है जहाँ पर काम चल रहा है वो भी मुकम्मल होने वाला है और ऐसे में ये प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें करोड़ों का पैसा लगा है और आने वाले वक्त में हम कह सकते हैं कि हमारा कश्मीर स्मार्ट सिटी की ओर गया। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए फिलहाल इतना ही, मैं ज़रका शफी कैमरा पर्सन हर्ष नायक के साथ।